अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोग के लिए लाई हूँ मैं मज़ेदार कैरी की चटनी की रेसिपी। आम का मौसम है पता है आपको, तो बहुत ही कोई मज़ेदार बनके तैयार होती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हम पानी ऐड करेंगे, उसमें हम कैरी डाल देंगे और इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। कैरी सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, लाल पीसी मिर्च ऐड करेंगे और छुहारे ऐड करेंगे और इसे 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। पच्चीस मिनट पकने के बाद अब इसमें हम किशमिश ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। पहले हमने लहसुन का पेस्ट डाला था, यहाँ हम कटी हुई बारीक कटी हुई जो है अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें गन्ने का सिरका ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे क्योंकि कैरियाँ जो हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, लग जाती हैं, इसलिए हम इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। सारे इंग्रेडिएंट जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिए थे और उसे पका लिया अच्छी तरह। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। देखिए पक रहा है और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम कलौंजी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके सर्व करेंगे। रेसिपी कार्ड मैंने आखिर में दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। मज़ेदार कैरी की चटनी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।